नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दो विधानसभा सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, वोट हो रहे हैं आज। और इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री हैं जो सम्राट चौधरी, उन्होंने भी वोटिंग की है। दरअसल वो तारापुर इलाके से आते हैं, उनके पिता सपनी चौधरी यहाँ के बड़े नेता रहे हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं। तो सम्राट चौधरी ने वोट डाला है और वोट डालने के बाद विरोधियों को चुनौती दे डाली है। लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोला, तो क्या कुछ कहा वोट डालने के बाद सम्राट चौधरी ने, जो बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री हैं, सुनिए आप। स्वाभाविक है, तारापुर के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक मतदान करें। ये विकास और विनाश की लड़ाई, और विनाश करने वाले को कभी मतदान नहीं करें, ये जरूर मैं आग्रह करूँगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि तारापुर में एनडीए की भारी जीत होने जा रही है, और तारापुर इतिहास रहा है कि लालू प्रसाद जी सबसे ज़्यादा कमजोर किसी इलाके में रहे तो वो तारापुर है, जहाँ तारापुर के मतदाता जो लालू प्रसाद से जुड़े हुए हैं वो लालू जी को कभी वोट नहीं करते। 1999 का चुनाव हमने देखा, 2005 का चुनाव देखा, 2010 का चुनाव देखा, यहाँ के मतदाता लालू यादव को कभी नेता नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ एनडीए भारी मतों से विजय हुई। राजनीति में चेला एक अलग है, धर्म हमारा स्पष्ट है, हम एनडीए को एक एक वोट देने जा रहे हैं और एनडीए यहाँ भारी मतों से चुनाव जीते। तो सुन लिया आपने कि सम्राट चौधरी ने दावा कर दिया कि इस इलाके पर, तारापुर विधानसभा की बात करें, लालू जी हमेशा कमज़ोर रहे हैं, उन्हें वोटरों ने कभी वोट नहीं दिया है, इस तरह की बात उन्होंने कहा है। यहाँ के लोगों ने लालू यादव को कभी अपना नेता नहीं माना है, और इसके साथ ही उन्होंने दावा कर दिया कि एनडीए की जीत यहाँ पर सुनिश्चित है, तय है, यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं है। तो तारापुर की ये तस्वीर दिखा रहे थे आपको, तारापुर में खूब वोटिंग हो रही है। सुबह तक जो खबरें आई थी 11 बजे तक की 20% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी, तो उत्साह दिख रहा है वोटरों में। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी हैं कशिश न्यूज़ के जरिए, कशिश न्यूज़ के सोशल मीडिया के जरिए, पोर्टल के जरिए, तो आप देख सकते हैं उन तस्वीरों को भी। और इस बीच जो है बिहार सरकार के मंत्री ने एनडीए की जीत का दावा कर दिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।